चलिए मेरे बच्चों, यहां पर आयुष संबंधी अर्थात एज रिलैक्सेशन से संबंधित हम लोग जो है प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को देखकर कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। मेरे बच्चों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 10 वर्ष, बी है आपका दूसरा 12 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष और डी कहता है चौथा ऑप्शन 18 वर्ष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता और पुत्र के बीच संबंध दिखाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा है 5 वर्ष पहले की कंडीशन है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्तमान से 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व पिता की जो उम्र है वह अपने पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। या आप कह सकते हैं कि पुत्र की उम्र पिता की उम्र की 1/6 भाग है। अगर पुत्र की उम्र x है तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 6x। अब भाई अगर हम वर्तमान उम्र की बात करें, ये तो 5 साल पहले की बात है, तो यहां पर पुत्र जो है x+5 हो जाएगा और पिता जो है 6x+5 हो जाएगा। लेकिन यहां पर वर्तमान अगर हमने निकाल लिया पुत्र की उम्र, यहां पर देखिए एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान समय में एक माता की उम्र अपने वर्तमान में पुत्र की उम्र की कितनी है, 3 गुनी। वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी है, x+5 है, तो माता की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 गुने x+5 का 3 गुना। अब यहां पर क्या कहा है आगे चल करके, उसके पिता और उसकी माता की उम्र का जो अंतर है वो 5 वर्ष है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब है अगर हम पिता की उम्र में से माता की उम्र घटा दें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 5 वर्ष के। तो यहां पर हो जाएगा 6x+5। अब जो है 3 का गुना x से कर दीजिए, 3x, 3 का गुना 5 से 3 × 5 = 15 और इनके बीच जो है अंतर निकालिए, यह बराबर हो गया 5 के। भैया 6x+5 माइनस में 3x माइनस में 15 और बराबर हो गया 5 के। अब भैया यहां पर 6x में 3x घटा दीजिए, आपका बचेगा 3x और 15 में 5 घटा देंगे -10 और यह बराबर है 5। अब पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 आपका माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका 3x बराबर हो जाएगा 5+10, तो 3x बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 15 के, x बराबर क्या होगा 15/3 अर्थात जो है 3 × 5 = 15। यहां पर पुत्र की उम्र कितनी आ गई, 5 और प्लस में 5 बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। इसका मतलब यहां पर आपका ऑप्शन ए अर्थात पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।